स्टूडेंट क्लास 8th का आपका ये चैप्टर 3rd है चैप्टर नेम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर इज अ प्रोडक्ट ऑफ इक्वल नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ परफेक्टली इक्वल नंबर स्क्वायर क्या होता है अगर सपोज दैट हमने 4 का स्क्वायर किया ठीक है 4 का स्क्वायर होता 4 हमने 2 टाइम्स सेम नंबर को हमने 2 टाइम्स किया वो भी प्रोडक्ट के फॉर्म में उसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा स्क्वायर क्या होगा आपका 16 आपको 1 से 20 तक के जो भी जितने भी स्क्वायर हैं मान लीजिए जिस मान का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 ऐसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है और उसको लर्न करना है अब आपने स्क्वायर रूट की बात करते हैं स्क्वायर रूट सिंपल ये होता है स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है ठीक है अगर हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालते हैं और स्क्वायर रूट के अंदर उसको लिखते हैं उसको पेयर बनाते हैं पेयर बनाने के बाद वो नंबर स्क्वायर रूट से जब बाहर आता है तो वो 1 हो जाता है ठीक है अगर 2 का पेयर बना 3 × 3 स्क्वायर रूट के अंदर है बाहर आने के बाद 1 3 हो जाएगा ठीक है और क्वेश्चन को फर्स्ट डिस्कस करते हैं यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर प्राइम फैक्टर का यूज करके हमें बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं कैसे बताएंगे देखिए पहले 441 का हम एलसीएम निकालेंगे ठीक है ठीक है बस ये जाएंगे 3 × 3 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 1 इधर आया 14 हो गया 3 × 4 = 12 इधर 2 आया 21 हो गया 3 × 7 = 20 फिर 3 से 3 × 4 = 12 फिर इधर देंगे 27 हो जाएगा 3 × 9 = 27 ठीक है फिर 49 इसके लिए क्या होता है 7 का स्क्वायर होता है तो 7 × 7 = 49 7 × 7 अब इसका प्राइम फैक्टर हम यहाँ पर लिखेंगे 3 × 3 × 7 × 7 अब देखिए 2 टाइम्स है हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 7 2 टाइम्स है 7 का स्क्वायर जब पावर इक्वल होती है तो बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ठीक है पावर से बेस को मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 7 = 21 और 4² तो 441 हमारा किसका स्क्वायर है 21 का स्क्वायर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस में कई सारे ए बी सी डी हैं उसको आपको सॉल्व करना है और चेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं ठीक है क्वेश्चन नंबर सेकंड है बाय व्हाट दिस नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर में कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद कुछ तुम्हारे पास न्यू नंबर आएगा उसका स्क्वायर क्या होगा तो आइए करते हैं पहले हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे 3 × 6 = 7 3 के इक्वल्स लेके जाएंगे 3 × 3 × 2 = 6 फिर 3 × 2 = 6 कैरी देंगे 3 × 5 = 15 फिर 5 × 6 = 5 × 10 कैरी दिया फिर 5 × 4 = 20 5 × 5 = 25 फिर 5 × 6 = 5 4 = 20 5 × 9 = 45 और आपको पता है 47 नंबर का स्क्वायर 49 7 का स्क्वायर होता है ये हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर हमारा अब हम यहाँ लिखेंगे 3 × 5 × 5 × 7 × 7 ठीक है अब देखिए इसका पेयर बन रहा है इसका पेयर बन रहा है इसका पेयर नहीं बन रहा है 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 का पेयर बन जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसी बात है हम यहाँ लिखेंगे 2 गेट परफेक्ट स्क्वायर multiplied by 3 of the given number of the given number तो हमने इसमें क्या कर दिया हमने यहाँ देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है देखिए जब हमारा यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो सबके पेयर पूरे हो गए अब इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालें ये 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर 5 की 2 टाइम्स है 5 का स्क्वायर 7 की 2 टाइम्स है 7 का स्क्वायर ठीक है अब देखिए अब इसको परफेक्ट स्क्वायर के लिए जब पावर इक्वल है तो बेस का मल्टीप्लाई 3 × 5 = 50 57 × 105 और 4² तो आप समझ में आ गया कि जो 3 6 7 5 कैसे हमने